Dear students, in this module, we are going to discuss changes in family patterns across the globe. So, changes in the family patterns are not limited to the developed countries only. We can see that these changes are, although they are flowing from the developed countries, but they are also impacting the developing countries and low income countries. In many parts of the world, फैमिलीज़ आर बिकमिंग स्मॉलर एंड मोर न्यूक्लियर इन द फॉर्म एज़ अर्बनाइजेशन एंड एक्नॉमिक डिवेलपमेंट इनक्रीजेज़ तो ये जो ओवरऑल इम्पैक्ट है जिसमें सबसे बड़ा असर जो हम देखते हैं वो मीडिया का है ग्लोबलाइजेशन का है एक्नॉमिक पॉलिसीज़ का है जिसकी वजह से जो वेस्टर्न आइडियोलोजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा असरानंदाज हो रही है नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर और नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी कम उपेश उसी तरह की तब्दीलियाँ ऑब्ज़र्व की जा रही हैं जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर आ रही हैं जिसमें मेजरली जो तब्दीली हम देख रहे हैं वो फैमिली के पैटर्न के ऊपर है और ख़ासतौर पे जो मैरिज पैटर्न्स हैं उनके ऊपर है जो डाइवोर्स पैटर्न्स हैं उनके अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि फैमिलीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंडेड फैमिलीज से कन्वर्ट होकर या शिफ्ट होकर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ आ रही हैं और जेंडर बेस्ड जो सेग्रीगेशन थी जेंडर बेस्ड वन ऑफ लेबर थी उसमें भी एक वाज तब्दीली हमें नज़र आ रही है कि अब दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो वर्किंग हैं और उसका इफ़ेक्ट जो है वो बच्चों की तरबियत के ऊपर भी नज़र आ रहा है तो ओवरऑल जो आपका फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें ग्लोबली जो तब्दीलियां हैं वो आपके जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उसमें भी रिफ़्लेक्ट हो रही हैं हावएर कल्चरल एंड रिलीजस फैक्टर्स कैन ऑल्सो हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज़ तो सबसे बड़ा रेजिस्टिंग फैक्टर जो मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न आइडियोलॉजी के हवाले से जिसको समझा जाता है वो रिलीजन है तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंटेस्टेशन है कि कैसे मॉडर्न वैल्यूज़ जो हैं वो फैमिली के स्ट्रक्चर को आल्टर करने की कोशिश कर रही हैं और ऐट द सेम टाइम जो मबी अकएद होते हैं या जो आपकी ट्रेडिशन होती है वो उसको रज़िस्ट कर रही होती है तो पाकिस्तान के अंदर आपको अक्सर जगहों पर बल्कि अक्सर मौक़ों पर इस तरह की सिचुएशन नज़र आएगी कि जिसमें मॉडर्न वैल्यूज़ और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो हैं वो किसी भी फैमिली यूनिट के अंदर जब को एग्जस्ट करने की कोशिश करती हैं तो अमूमन ऐसी सिचुएशंस के अंदर झगड़े पैदा होते हैं और उन झगड़ों की वजह से फैमिली यूनिट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल अरेंज मैरिज इज़ स्टिल कॉमन इन मैनी पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भी अभी भी अरेंज मैरिज कॉमन तो है लेकिन अरेंज मैरिज को शायद जो यूथ है पर्टिकुलरली वो इतना पसंद नहीं करती है ख़ास तौर पर अर्बन यूथ या एजुकेटेड यूथ जो है दे प्रिफर दैट दे वुड मैरी बेस्ड ऑन देयर पर्सनल च्वासेस पॉवर्टी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसप्लेसमेंट कैन ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फैमिली स्ट्रक्चर एंड डायनमिक्स विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ग्रोइंग इन ऑर्फन एज और इंस्टीट्यूशनल केयर तो एक जो बड़ा इफेक्ट पैदा होता है इस तरह के एक्नॉमिक सिस्टम का कि जिसमें जेंडर बेस्ड वे ऑफ लेबर नहीं रहती वो असर जो है वह आपको बच्चों की सोशलाइजेशन और तरबियत के ऊपर नजर आता है मसलन बच्चों के लिए जो हैं अगर घर में कोई अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए डे केयर सेंटर्स होंगे और थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन जिस अंदाज से तरबियत करेंगे वो रिलेटिवली उस क्वालिटी की नहीं होगी जिस क्वालिटी की तरबियत या सोशलाइजेशन जो है उनको अपने फैमिली यूनिट के अंदर अवेलेबल होती है द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चरल वैल्यूज़ इंक्लूडिंग इंडिविजुअलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म इज़ ऑल्सो impacting द फैमिली patterns इन मैनी parts ऑफ द वर्ल्ड तो ये जो ओवरऑल इम्पैक्ट है कि जिसमें कम कंज्यूमरज़म बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है तो हमारे लिए ज़िंदगी का मकसद जो है वो शायद कंजम्पशन बन जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए और उस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए जो ये लाइफ आइडियोलॉजी है ये सिग्नीफिकेंटली इम्पैक्ट करती है आपके फैमिली सिस्टम के ऊपर फैमिली इंस्टीट्यूशन के आइडियोलॉजी के ऊपर और ख़ास तौर पे जो जेंडर बेस्ड ड्वेन ऑफ लेबर है उसको भी ये बहुत ज़्यादा उसके ऊपर असरअंदाज होती है फूड फॉर थाट फॉर यू के आप ये देखें कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो ग्लोबल आइडियोलॉजी uh, है वेस्टर्न आइडियोलॉजी है उसका इम्पैक्ट है उसका अफेक्ट है और ये फैमिली यूनिट को जो है वो किस तरह से असरअंदाज कर रही है